मैं बता रहा हूँ वैगनार, इसमें ना होगा कोई कुत्ता भी सवार। चल भाई चल। ओए ओडी वो है बहन। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। गाइस टाइम हो रहा है भाई 12:30 और अभी हम निकल रहे हैं, मैं और छोटू भाई जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा काम से जा रहे हैं। और अभी भाई मेरे को बाइक की सर्विस भी करानी है क्योंकि बाइक चल चुकी भाई मेरी 605 किलोमीटर। ठीक है अभी तो भाई, अभी मैं एक दोस्त के यहाँ पे आया हुआ हूँ तो उसे उठाना है और अपना लेके चलते हैं। छोटू को भी उठाना है, छोटू को भी लेके जाना है, देखते हैं अभी जैसा भी होगा जो भी होगा वो भी अभी मैनेज कर लेंगे। ठीक है अभी भाई यहाँ से बस अपना निकलते हैं, अभी पहले जा रहे हैं हम काम मोदीपुरम, उसके बाद आफ्टर दैट हम जाएंगे धोराला में से अपना थोड़ा बहुत बाइक की सर्विस करानी है क्योंकि हीरो का शोरूम है वहीं पर, तो वहाँ से करा लेंगे या फिर अपना पीछे मोदीपुरम या मेरठ से करा लेंगे। बाइक लेके नहीं जा रहा, बाइक यहीं खड़ी है, दिखाऊँ कहाँ खड़ी है? ये खड़ी भाई अपनी बाइक। चलो जी तो भाई आ चुके भाई अपना मोदीपुरम, मैं काफ़ी लोग कर लूँ। कहाँ है तू? मेरा छोटू। अभी जा रहे हैं हम, इसकी दाढ़ी जंगवाने, पूरा ही खत्म मामला। ओ यार तू दाढ़ी बिल्कुल ख़त्म करके देख, या मेरी जितनी करके देख, देखे इसकी दाढ़ी। अरे हेलमेट पहन ले भाई, बहुत ज़्यादा हैवी हो रही इसकी दाढ़ी। अभी जा रहे हम सैलून, अभी तो हम होप में गए थे, जिसका बताया था ना मैंने, कहा इसके दोस्त के एक बार जसवंत राय में था तो उसे देखने गए थे, आज वो होप में था, अब होप में देखा है क्योंकि उसे ट्रांसफ़र कर दिया था, पूरा मुँह फुट्टा पड़ा। मैंने ब्लॉग भी ना करा, मैंने कहा यार आज बाहर ही आ गया, कह रहा आज मैं आ रहा, मैं जिसका चोट लग रही हो कह रहा, कहा मैं ही आ रहा बाहर, रुक जाओ मिलने। चलो चल भाई निकाल। बाल देखे था यार लॉन्डे, बाल देख रहेगा इस कितने बेहतरीन हो रहे, एकदम सेक्सी। और बाइक दिखाता हूँ कौन सी, तो बाइक से हंड रहे, सर्विस ना कराई बाइक की अभी तक, कल करूँगा भाई। चल भाई अल्लाह, चल भाई चल। ओए फ़ोन गया था अभी, चल भाई ले तो भैया मोदीपुरम के नज़ारे ले लो गाइज, LIC ऑफिस गाइज, ब्रेकर गाइज, आल्टो इसे ना जाने साली को कितनी बार पलटो। योरी स्विफ्ट इससे मारो तगड़ी ड्रिफ्ट। योरी वैगनार इसका भी बना दो, इसमें ना बैठा कोई बिजार। बिजार दिख गया तो सारा बिजार ही बना दिया यार, दिमाग में कुछ से कुछ आ जा। और कौन सी गाड़ी का बनाऊं, मीम बनाऊं यार, हैं ओडी का, ओडी ओडी गाइस, ओडी का भी एक मीम है, वो तुम अपने आप समझ जाओ। ओडी वो है बहन, आगे अपने आप समझ जाइए। ठीक है चलो अभी और कोई सी गाड़ी दिख जाओ, उसके भी मीम बनाऊंगा। अरे अगर जो किसी ने मेरा व्लॉग वायरल हो गया और किसी ने देख लिया ना, कोई नहीं कहेगा ले बेटे, हाँ यहाँ आ गया सुकून में। चलो भाई सुकून में, सुकून से बैठ कर बाल कटवाऊंगे। चलो चल भाई चल, इसके बाल ही झंगवाए आज। वैगनार का एक और बन गया पता क्या, वैगनार इसमें ना होगा कोई कुत्ता भी सवार। कहाँ है ये हो रहा, तो गाइज भाई मैं तो आ गया बाहर, वो बैठा अभी अंदर, वो बैठा सुकून में, मैं तो आ गया बाहर क्योंकि अंदर भाई गाने बज रहे थे, बेशरम रंग हरियो रंग बो रंग और फड़ाना डिम गाने बज रहे भाई। मैं तो ब्लॉग कर नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। और भाई एक बात मेरे को बतानी थी भाई, मैंने अभी बाइक की सर्विस भी नहीं कराई, 600+ चल चुकी, अब मैं सोच रहा हूँ उसके कल परसों को सर्विस करा दूँ क्योंकि कल भाई मेरे को एक दो जगह काम है वो निपटाने हैं। ठीक है 2-3 दिन का काम हो गया, अब आई थिंक भाई मैं यहीं रुकूंगा, मेरठ ही रुकूंगा। मेरे जो कपड़े हैं और एक्स्ट्रा वो मैं मम्मी पापा से मंगाऊंगा, या तो देखते हैं एज सून एज पॉसिबल पापा ट्रक में भिजवा देंगे या फिर अपना जो भी होगा जैसा भी होगा वो देखते हैं, बाइक मैं यहीं रखूंगा। अदरवाइज़ भाई अगर जो गया कानपुर गया अगर जो 10-20 दिन बाद तो फिर बाइक लेकर चला जाऊँगा। पॉसिबिलिटी तो ये है कि भाई मैं यहीं शिफ्ट होऊंगा, अभी रुकने रुकाने का भी सीन है कि अभी तक तो होटल में रुक रहा हूँ पर अब परमानेंट एक जगह ठिकाना देखूंगा, या तो दोराला में ही रुक जाऊंगा रेंट वगैरह पे, या कोई होगा नॉन अगर जो कोई ऐसा तो देख लेंगे भाई, जैसा भी होगा वो जो भी होगा वो तो अभी देखेंगे, अभी कुछ भी नहीं है ऐसा सीन। बट हाँ पॉसिबिलिटी ये है कि मैं यहीं रुकूंगा, तो यही सब बातें मेरे को बतानी थी, तो दैट्स व्हाई मैं आ चुका बाहर क्योंकि वहाँ अगर जो रूम वूम पर जाता हूँ तो भाई मेरा मन नहीं करता कसम से बताऊँ। और अभी मेरे को टिफ़िन भी लगवाना है आज जाके, मेरे को थोड़ा बहुत सामान भी खरीदना है, लाइट वाइट भी खरीदनी है, टिफ़िन लगवाना है और रूम देखने हैं, रूम भी देखना है कि कहाँ पे रुकूँ कहाँ ना रुकूँ। ठीक है तो अभी मेरा कुछ काम है भाई, मैं उस रिलेटेड आया हूँ यहाँ पे कसम से बताऊँ तो। ठीक है बाइक लेके आना, तो जस्ट एक ये था कि हाँ बाइक का नंबर मिल जाए, बट बाइक का नंबर तुम ले लिया ठीक है, RC हो गई, बट अभी जो मेरे को जिस काम के लिए आया हूँ मेन वो भी करना। अरे वाह रवि सर दिख रहे पीछे, ले बेटे रवि सर, एक दिखिए भाई इन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाई भाई, 3 महीने पढ़ाई, 3 महीने थी मेरे पास फिजिक्स, मतलब 12th में 11th में 3 महीने फिजिक्स रखी थी,
मैंने स्ट्रीम चेंज कर दी थी मैं, फिर ये कहते रहे कि क्या नाम है तू अच्छी पढ़ता है फिजिक्स ये वो, मेरी बहन से भी कहा कि क्या नाम है फिजिक्स अच्छी पढ़ता है, सब पढ़ाओ पढ़ाओ, मेरी पल्ले ही ना पढ़ा थी। तो यही है भाई, अभी यहाँ से निकलते हैं थोड़ी बहुत देर बाद और अपना पहुँचते हैं घर, ठीक है। मैं इधर उधर को देख कर ज़्यादा बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरी निगाहें इधर उधर ज़्यादा जा रही कि कोई मिल जाए नॉन या कुछ ऐसी बात हो तो उससे और चार बातें पूछूं कि भाई कोई है रूम वूम खाली या नहीं, क्योंकि इसी वजह से मैं बाहर आके बैठा, अंदर बैठा रहता तो पता नहीं लगता क्योंकि कॉल पे भी बिजी हूँ, कॉल भी कर रहा हूँ कि कहीं रूम वूम खाली है या नहीं है जहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ, ठीक है। जैसे भी होगा जो भी होगा सीन भाई देखते हैं, अभी मैं कॉल, एक सेकंड कॉल आ रही भाई। भाई कट गए इसके बाल वाल, अरे हेलमेट कहाँ, हेलमेट तो अंदर ही दिखा है भाई, बाल वाल कट गए, बाल कटने में लग गया भाई एक घंटा, बाल कटे दाढ़ी कटी एक घंटे में आ निकट गए, अभी हेलमेट लिया हूँ और चल रही अभी, है ना, चलो जी। तो भाई आ चुका भाई, वो खड़ी अपनी रानी, ये वो खड़ी, अब इसकी सर्विस करा दो। 640 किलोमीटर, 640 है ना, देख लो 606 है, 600 प्लस है, 606 है, आप 640 ही कर दो भाई। आ चुकी खड़ी होगी, होगी अभी पता नहीं कौन करेगा, देखते हैं जो भी करेगा ये देख करा देंगे, है ना। तो भाई गाइस उठ चुकी भाई अपनी बाइक, ये उठ गया आसमान में ही है, देखो धरती से कितनी ऊपर है, इसके मैंने बता दी भाई इसकी यहाँ से पीछे से आवाज़ आ रही है, तो चैन वैन की आवाज़ आ रही है, बाकी इंजन ऑयल बदला जाएगा इसमें, अभी पता नहीं जो भी टाइम लगेगा, जितना भी टाइम लगेगा, पहले ये होगी ठीक फिर ये होगी, वो होने लगी दादा भाई, मैं तो रिस्क पे लाया सर, इसे वीडियो को बना दो सर, शोरूम वाले को भेज दो, ये फन तो अब बना यहाँ था भाई, उस ऊपर और मैं कानपुर से 600 किलोमीटर ले आया भाई, मैं रास्ते में कह तो रहा, मैंने कहा जैसी गड्ढे में जा रही तो बाइक ऐसे हो रही है तिरछी बंकी, इन्होंने ध्यान ना दिया ना, मैंने ध्यान दिया, अब पता लगा ये लगेगा कहाँ, इसमें फिट होगा, इसमें फिट होगा, इधर देखो भाई, मैं तो जान पे ही खेल के आया हूँ भाई, 600 किलोमीटर नहीं चला दी है, मैं तो भगवान भरोसे ही लाया हूँ, मैं बता रहा हूँ जैसी गड्ढे में जा रही है बाइक तो ऐसा हो रही है, मतलब इसका ध्यान ही नहीं रहा गाड़ी का, तो ऐसे नई की नई गाड़ी के साथ क्यों कर रहा है, सोकर यहाँ जा रखा साला, नई की नई कार 600 किलोमीटर चला के लिया है मैं कानपुर से, अभी इसे वीडियो बना के भेजूंगा, मैंने कहा क्या कर रखा इसकी ऐसी ना बांध दूंगा साड़ी की, ये चीज हमारी कोई है देखने की, तो वहां से कंपनी फिटेड़ी होगी चले नहीं हो, चल तो जाओ, चल जल्दी खराब हो जाओ, दिनों बाद फिर तो अभी तो 600 किलोमीटर की गारंटी तो होगी, है? इसकी वीडियो बना ली, पूरी वीडियो बन रही, कंटिन्यू है, कोई दिक्कत ना है, मैंने तो आके कंप्लेंट ही करी, मैंने कहा डिसबैलेंस ही हो रही है, मैंने भी ध्यान ना दिया, चलो अभी आप ऊपर मैंने भी ध्यान नहीं दिया इसका, चेयरमैन की वजह से चेयरमैन को टाइम नहीं है, रुपये ढीला पड़ा है, मैंने उनसे कही थी, मैंने कहा देख लो साड़ी को पूरी को, मैं भी फोन कर रहा हूँ, यो देखो भाई, भाई यो तो हमारी गलती नहीं है यार, हीरो वाले तो बहुत ऐबदार हैं यार, हराम के बीच है बहन, बग्गाल ही निकल दिया मैंने उसे, यो देख लो, यो कट गया सोकर ख़राब हो गया, और यहाँ देखो ये यहाँ पर रख गया यही भाई, यो पूरे 600 किलोमीटर में इस पर आ गया भाई, मैं तो जान को अपने हाथ पर लेकर चला भाई, मजाक से अलग, मैं भैया से कह रहा, मैंने कहा भैया बाइक तिरछी हो रही भाई, और अरे इसकी चैन भी आवाज़ कर रही थी, चैन क्यों कर रही थी, क्योंकि जब ये यहाँ नहीं था फिट, जो भैया कह रहे हैं तुम्हारा यो भी पहिया भी तिरछा था, कह रहे तुम तो बस लेके ही आए हो, तुम तो जिंदा आ गए वही बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत गंदा रिस्पांस भाई कानपुर से बाइक लेकर, मैं तो कह ही रहा था पछता रहा कानपुर से बाइक लेकर, सच में पछता रहा भाई, बॉडी बिल्कुल ख़त्म, कटर कर रही है गाड़ी, पता नहीं क्या ये ड्रामा क्या ना है, चलो अभी देखता हूँ, पापा को भेजा मैंने शोरूम, मैंने कहा पापा एक बार शोरूम जाओ मेरी बात कराओ जाकर, गाइस लिटरली इतना बुरा इंसिडेंट मेरे साथ पहली बार हुआ लाइफ में, 600 किलोमीटर बाइक चला दी रिस्क पे, पूरे रिस्क पे, गाइस दिमाग की ऐसी तैसी होगी भाई, ऐसी तैसी, मैं तो आया हुआ था यहाँ पर अपना बाइक की सर्विस कराना, मैं पूरे रास्ते यार कहता रहा, मैंने यार मेरी बाइक क्यों इतनी हिल रही, साड़ा पता लगा, मेरी जान को आपत आ रही थी, मैं पूरे रास्ते भाई आया हूँ भगवान भरोसे, जब मैं पल्सर लेकर आया था ना भाई, मैं 8-9 घंटे में आ गया था, इसे लेकर मैं 11 घंटे में आया हूँ, और मैंने साइड में जैसे बीच बीच में रोक के फोटो खींचे थे ना, तो उसमें भी भाई हटा पड़ा था वो।